देवांशु ठंड जाने को है और इस वक्त हम एक ऐसे टेरेस गार्डन पे मौजूद है जहां पर आपको कलेक्शन दिखेगा विंटर फ्लावर प्लांट का और साथ ही आपको इस वीडियो में किचन गार्डनिंग का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे। किस तरीके से विभा पहाड़ी जी हैं, पटना की रहने वाली महिला जो कि सोशल वर्कर हैं और अपने काम के साथ साथ सुबह और शाम का वक्त जो है ये देती हैं अपने टेरेस गार्डनिंग पे, और हम इनके टेरेस गार्डन को आज घूमेंगे और किस तरीके से गार्डनिंग कर रही हैं ये जानेंगे और कितने सालों से कर रही हैं और क्या मैसेज देंगी पटना के लोगों को या कहें कि देश के लोगों को, और टेरेस गार्डनिंग करने से इन्हें क्या फ़ायदा हुआ है सब कुछ जानेंगे। विभा पहाड़ी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले आप अपना टेरेस गार्डन हमें घुमाएं। जी हाँ, एकदम आइए। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा, मेरी छोटी सी बगिया है, टेरेस गार्डन है। ये छोटा सा मछली का पॉन्ड है, कहते हैं मछली को रखना शुभ माना जाता है, इसलिए मछली का इसमें मैंने बहुत सारी मछली है। या पास आइएगा तो भाग जाती हूँ। देखिए तो 150-200 मछलियाँ हैं इसके अंदर। 150-200? हाँ एकदम। सुबह सुबह सब ऊपर रहती है और फिर धीरे धीरे अंदर चली जाती है दिन के समय, फिर शाम को निकलती है, फिर जाती है उस, जैसे जैसे मौसम चेंज हो जाता है हम लोग प्लांट भी मैं चेंज करवाती हूँ। और खासकर मेरे हस्बैंड पतिदेव सतीश चरण पहाड़ी जी को बहुत शौक है गार्डनिंग का। अभी शहर का माहौल है, संभव नहीं है कि घर लेके जमीन लेके रह सके, तो इसलिए छत पे ही हम लोग छोटा सा बगिया डेवलप किए हैं। ये सालविया है, मौसमी फूल है, अभी जाने के कगार पे है ये। और ये सब छोटे छोटे जो रंग बिरंगे, ये सब सीजनली फूल है। कोई किसी का नाम डॉग फ्लावर हो गया, एक्चुअल में मैं, मुझे भी जानकारी है बट फूल में लगाती हूँ, सीजनल फ्लावर बोल के लाती हूँ, लगाती हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत ही शौक है, बहुत अच्छा लगता है। और कब से कर रही हैं इस तरह? ये 2004 से हम लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट किए थे, तब से हमारा ये शौक है कि गार्डनिंग करना, पेड़ पौधे लगाना। यह बड़ा पेड़ देख रहे हैं, इसको अर्केरिया बोलते हैं, क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। ये हम लोग जब आए थे 2004 में, छोटा सा था, मात्र ये 1 फीट का पेड़ था। आज ये कितने फीट का है अंदाज लगा लीजिए। तो विंटर फल, का मौसम जो है ये माना ही जाता है फ्लावर के लिए। एकदम एकदम। अभी तो फूल सच पूछे जाने को है, सब जाने के कगार पर है, अब खत्म हो रहा है। ये आप चेरी टमाटो देखिएगा, ये चेरी टमाटो है, ये सलाद में काम आता है। अभी तो पूरा भरा हुआ था, अब ये खत्म हो रहा है। शायद आप 1 महीना पहले हमसे मिले होते तो और फूल देखने को मिलता है। हाँ, फूल जो भी दिख रहे हैं काफी दिख रहे हैं, हैं। और मैं तो टेरेस गार्डन घूमता ही रहता हूँ। चलिए, और ये आप जो देख रहे हैं वो चेरी टमाटर है, छोटे छोटे टमाटर होते हैं और इन्होंने छत पर लगा रखा है। फ्लावर गार्डन के साथ साथ ये किचन गार्डनिंग भी करती हैं, और मैं हम आपको अब किचन गार्डनिंग की तरफ ही लेके चलेंगे, किस तरीके से ये किचन गार्डनिंग करते हैं। बोनसाई भी अपने, हाँ बोनसाई बहुत आई, अब मैं आपको और दिखाऊंगी बोनसाई। हाँ, पीपल का है, बड़ का है, जो शायद 14-15 साल, शायद क्या 15-16 साल पुराना है। ये मेरा पीछे किचन गार्डन है, ये देखिए, ये बोनसाई है, ये 2004 का है, पीपल का है, ऐसा ही बड़ का भी है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बोनसाई पीपल का और बरगद का बोनसाई है। और अब हम ये चीकू का है, ये चीकू का पेड़ है। चीकू फड़ता है टेरेस गार्डन? हाँ हाँ, इतना छोटा, बहुत बहुत मीठा होता है, एकदम छोटे साइज का चीकू होता है। इसके अलावा पालक आपने लगा रखा है? पालक तो लगता है 2 दिन बीज करके 1 किलो टूट जाता है, हम लोग भरपूर आनंद लेते हैं पालक का, टमाटर का और मूली का। ये तीनों पूरी सीजन में हम लोग को कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आम है, लीची है, केला है, पपीता है, बस सच पूछिए तो गागर में सागर है, छोटी सी जगह है। हाँ, उसमें वो मूली है शायद, ये मूली है, ये सब पालक है। हाँ, ये सब पालक है, मूली लगता है, हो गया। मूली बीच बीच में है, 2-4 मूली बहुत निकला, अब मूली फल दे रहा है, इसका बिया बना के फिर रखेंगे अगले साल के लिए। ये पूरा फ्लोर है लेकिन देखने से लग रहा है कि ये खेत की शक्ल में आपने इसको एस्टेब्लिश कर। हाँ, ये तरीके से इसका प्रूफिंग हुआ है, पहले नीचे कंक्रीट डाला जाता है, फिर बालू डाला जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी डाला जाता है। इसका आउटलेट वो एक कोना पे वो दिख रहा है, वो आउटलेट है, किधर है एक इधर है, एक्स्ट्रा वाटर सब निकलते जाता है। बारिश के दिन में पानी लगने का चांस ना हो इसी कारण आउटलेट बनाया जाता है, एक्स्ट्रा पानी जरा भी से नहीं ठहरता है।
शौक, इतना शौक ऐसा कि इन्होंने अपने टेरेस गार्डन को, ये किचन गार्डन है बेसिकली इनके टेरेस का जो किचन गार्डन का पार्ट है, और इन्होंने खेत की शक्ल में बना दिया। देख सकते हैं कि पपीता का भी पौधा इनके पास है और पपीता दो चार दिख भी रहे हैं और पके हुए भले ही छोटे हों, कितनी संतुष्टि मिलती होगी। बहुत अच्छा लगता है ये जब बना काट के खाते ना, छोटा नहीं होता है बट वो खाने में खाद का जो नेचुरल खाद से मिलता है, हम लोग आप वो देख रहे हैं ये ड्रम देख रहे हैं इसमें खाद बनाते हैं। अच्छा। जितने भी घर घर के सब्जी कटे हुए फल इसके छिलके वगैरह डाल के इसमें दो महीना सड़ाते हैं फिर उसको निकाल के उसको मिक्स करके खाद बनता है। घर के ही खाद कोशिश करते हैं इस्तेमाल करें, सब कुछ ऑर्गेनिक, सब कुछ ऑर्गेनिक। और खासकर अभी जो कोविड का टाइम था बहुत ही दर्दनाक पूछे कष्टफुल था सबके लिए, और हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ पे जितने भी उससे रिलेटेड दवा जो हो, दवा रूपी जो क्या पत्ता होता है वो मैं भूल रही हूँ, नाम पूछ रही हूँ भूल रही हूँ, अर्केरिया में पूरा लपेटा हुआ है वो, वो सब बहुत सारे इस तरह से पेड़ हम लोग लगाया और डेली हम लोग उसका सेवन करते थे। आपके टेरेस किचन गार्डनिंग में बेसिकली कहूँ तो केले के पेड़ मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, केला का ऐसा क्वालिटी है केले में अपने आप वो पनपता है। हाँ। उसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक केला आप लगा दीजिए। हाँ। वो अपने आप अंदर अंदर एक केला खत्म हुआ और पेड़ खत्म, फिर हाँ। वो दूसरा पेड़ जन्म ले लेता है। बेसिकली कहिए, हाँ, किचन गार्डनिंग के साथ साथ ये फ्रूट गार्डनिंग भी बहुत बेहतरीन है। आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, पपीता के पेड़ हैं और केले के पेड़ हैं, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक केला का एक गुच्छा जो है वो हुआ भी है, देख सकते हैं छोटे छोटे हैं लेकिन पक रहे हैं। और ये देखिए सहजन का पेड़ है, अभी सहजन हम लोग 8-10 सहजन ज्यादा नहीं होता है, 8-10 होता है, वो तोड़ के खाते इतना मीठा लगता है उस समय वो तोड़ के खाने में, सब्जी उसका बनाने में। ये भी सहजन का पेड़ है, लोग कहते हैं ना सहजन में भूत आता है पहले के लोग कहा करते थे, बट नहीं, जितना पेड़ लगाइए घर में लगाइए, मैं लोगों से यही कहूँगी बहुत घर में भी आप जितना संभव हो एक छोटा सा प्रकृति को अपने में उतारिए, पेड़ पौधे को लगाइए और उसे घर में। वो लाल वाले जो क्या है पेड़ जो लाल वाले फूल टाइप, ये ना ये ठंड में होता है कदम फूल बोलते हैं। अच्छा। ये यहाँ पे नहीं मिलता, ये कलकत्ता का फ्लावर है। हाँ। ये हम लोग जब इस बिल्डिंग में आए थे तब लगाए थे और ये गुच्छा गुच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरी ठंड जब पिक ठंड पे रहता है तो पूरा भरा रहता है ये। आप ये बताइए कि शुरुआती दिनों में मतलब कैसे माइंड में आया कि हमको ये गार्डनिंग करना है और इस तरीके से करना है कि थोड़ा नया स्टाइल दिख रहा है गार्डनिंग का। लोग होते हैं गार्डनिंग करते हुए गमला होता है या किचन गार्डनिंग करते हैं तो आजकल प्लास्टिक वाला होता है, लेकिन आप एकदम खेत बना दिया आपने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं खेत पे खड़ा अच्छा लग, बस ऐसी इच्छा थी। गांव के लोग रहने वाले थे, बासिंदे थे गांव के, बट संभव नहीं था कि अब गांव में जाके रहते हैं हम लोग और उसका इस्तेमाल कर पाते गांव की जमीन का, तो घर में ही क्यों नहीं खेत के रूप में इस्तेमाल करके मन की जो इच्छा है वो पूरी की जाए। और ये इधर टमाटर के भी पेड़ है, सब कुछ बहुत ऐसा लग रहा है, छोटा सा ये पार्ट है और किचन गार्डनिंग का अद्भुत नजारा। मूली का वाला कहाँ है, देखता हूँ मैं, अगर कोई मूली बड़ी हो तो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। अब तो फल गया है। हाँ। ये क्या है, ये सब मूली है। मूली है। हाँ, हाँ। अनानास बीच में, ये खत्म होगा फिर अनानास का पेड़ लगा हुआ है बीच बीच में। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किचन गार्डन, मैं हमेशा अक्सर वीडियो बनाता हूं लेकिन आपके गार्डन में आके थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अलग इस मायने में आपने फ्लावर का सेगमेंट अलग कर रखा है, किचन गार्डनिंग का अलग, सब्जी का अलग कर रखा है, अलग कर रखा है। लोग आते होंगे तो काफी प्रभावित होते होंगे, अच्छा लगता है देख के, मुझे खुद को संतुष्टि होती है और लोग देखते हैं कुछ सीखते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। ये बांस लगा हुआ है, कहते हैं बांस घर में जरूर होना चाहिए, तो बांस हम लोग ने लगा के रखा है, जो आप नीचे देखे ना ये इसी का सूखा हुआ रूप है वो। अच्छा, ये सूख गया तो इसको आपने बनाया? हाँ, काट के उसको सुखा के उसको। हाँ। लगाया है। और इसके अलावा किचन गार्डनिंग के अलावा जब मैं विभा पहाड़ी जी के घर पे गया जो इनके नीचे है, उसमें भी मतलब घर के डाइनिंग रूम में भी इस तरीके से इन्होंने सजा रखा है कि देखकर अद्भुत लगता है, मतलब कि। और ये सब कोयला है, ये क्यों दिया है? ये कोयला नहीं है, ये फूल है, क्या बोलते हैं नाम मैं भूल रही हूँ, ये इसमें होता है नारियल, ये कोयला है और ये नारियल का छिलका होता है ना। हाँ। मट्टी के रूप में उसी में ये होता है। अच्छा अच्छा, ग्लैडोलस जो इसका समय अब। हाँ, चला गया। हाँ। एक क्या मैसेज देंगे पटना के लोगों को, इन दिनों ऐसे भी गार्डनिंग लोग कर रहे हैं, फायदे क्या हैं, आपको कितना सुकून मिलता है गार्डन पर आकर?
बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी, यदि आपको प्रकृति से प्यार है, पेड़ पौधे से प्यार है, अगर नहीं भी है तो भी अपने घर में, बालकोनी में, कहीं पर भी पेड़ पौधे लगाइए और उसे अपने अंदर उतारिए, तभी आप जीवन अच्छी तरह से, आपको कहीं भी मन दुखी होगा, पेड़ पौधे से बैठ के आप 10 मिनट बातें कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना लोग बोलते हैं, पर मैं कहती हूँ पेड़ पौधे भी बोलते हैं, बात करके तो देखिए। बोलते हैं एकदम, आप महसूस करती हैं? नहीं, मैंने खुद बैठे ना, थोड़ा देर बैठी पेड़ पौधे के पास, बहुत अच्छा लगता है, लगेगा कुछ बोल रहे हैं, मैंने खुद फील होता है ऐसा। अच्छा, किचन गार्डनिंग के लिए आपने बताया कि सब कुछ आप लगा लेती हैं, किस तरीके से मिट्टी आप जैसे कि और कुछ भी इस्तेमाल करती हैं? मिट्टी जैसे बोली ना, अपना नेचुरल खाद है, नेचुरल खाद बनता है, इसके अलावा कभी कुछ आवश्यकता होती है तो हम लोग बाहर से भी खाद लाते हैं, खाद लाते हैं, बोनमील लाते हैं, ये सब लाके उसको, जैसे गुलाब लगता है, गुलाब में बोनमील की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग घर में नहीं बना सकते हैं, घर में बनाना संभव नहीं है, वो बाजार से लाते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बात को होता है कि मिट्टी कैसे तैयार करें बेसिकली किचन गार्डनिंग के लिए, तो आप क्या कहेंगे? मिट्टी में खाद, जो नेचुरल खाद कह लिए, नेचुरल खाद यदि आपके पास नहीं है तो बाहर से खाद ला के, मिट्टी में खाद मिला के, बोनमील मिला के, ये सब लगा के, धूप में सुखा के, अच्छे से प्लास्टिक बिछा के धूप में सुखा के उसे इस्तेमाल कीजिए। आसान है गार्डनिंग करना? बहुत आसान है, बस मन में चाह होनी चाहिए। हाँ। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, होगा ही नहीं, एकदम नहीं, एकदम गलत सोची है लोगों की, बस जहाँ चाह है वहाँ राह है, बस आप अपने अंदर उतार लीजिए कि हमें प्रकृति से जुड़ना है तो एकदम जुड़ पाइएगा। ऐसा नहीं है ना कि मतलब कि बहुत कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, आप यदि कुछ जानकारी होती है तो आजकल YouTube भी संभव है, YouTube में देखिए और सीखिए और लग जाइए पेड़ पौधे लगाने में। चलिए, ये विभा पहाड़ी थी, हमने आपको इनका टेरेस गार्डन घुमाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत लगा, फ्लावर के साथ साथ किचन गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग तो, कुछ मेरे ये भी हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, कितनी खूबसूरती के साथ खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि ये इस कोने के लिए ही बने हैं। चलिए, मैं आपको समय समय पर अलग अलग लोगों के घर जाता हूँ और टेरेस गार्डनिंग का वीडियो बनाता हूँ, मकसद बस इतना है कि आप सब भी गार्डनिंग कीजिए, गार्डनिंग के फायदे जो हैं वो अद्भुत हैं, इसको बयां नहीं किया जा सकता, इसको महसूस करने वाली चीज है। एकदम एकदम से। हाँ। ये देखिए गिलोय लगा हुआ है, मैं नाम भूल रही थी, गिलोय इसने पूरा लपेटा हुआ है। हाँ। वो गिलोय का पत्ता जो खासकर कोविड में बहुत फायदेमंद था। बहुत ही फायदेमंद था गिलोय का पौधा और पत्ता, ये कह रही है। चलिए, अब इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी, फिर किसी और शख्सियत के छत पर जाकर। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।